सो हैगा ही स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाई इरेडा को लेकर आई आर ई डी ए तो इस स्टॉक के अंदर आपने देखा होगा भाई कल के दिन तो एक हैवी करेक्शन थी और आज आप लोग देखोगे स्टॉक में पाँच परसेंट के करीब जो है भी काफ़ी अच्छी रैली भी बनती हुई नजर आई है तो गिरावट क्यों हुई थी उसके पीछे के रीजन्स क्या थे वो मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में और क्लियर बोला था कि देखो भाई इस गिरावट के अंदर बेचना नहीं है ठीक है और गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या था मार्केट थी भी मार्केट में करेक्शन थी क्योंकि स्मॉल कैप के मिड कैप शेयरों में जमकर प्रॉफिट बुकिंग की गई थी कल के दिन और वहां पर भी मैंने आपको एक बात बोली ये बेचना नहीं है अभी यहाँ पर कहीं आप लोगों को लगे भी स्मॉल कैप शेयर खरीदा है तो बेच दे मिड कैप खरीदा है तो बेच दे बेचना नहीं है जैसा है वैसा स्टॉक को पकड़ के बैठे रहो ठीक है अगर नीचे के भाव में मिल रहा थोड़ी है थोड़ी ज़्यादा करेक्शन हो गई है पंद्रह परसेंट दस परसेंट के टूट गया है तो वो आपके लिए मौका है तो कल के दिन एक बड़ा मौका था अपने स्टॉक के अंदर लेकिन मैंने देखो भी सुबह किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसी मार्केट के अंदर स्टॉक को हाथ लगाना कि सुबह जिस प्रकार से मार्केट ओपन हुई ठीक है मार्केट में सपोर्ट वगैरह तो मैंने आपको बता दिए थे सपोर्ट एग्जैक्ट सपोर्ट बताया निफ्टी का और वहाँ से मार्केट घूमा है पूरा का पूरा ठीक है और वहाँ से आप लोग देखोगे सौ परसेंट सौ पॉइंट ऊपर में गए हैं और नीचे के हिसाब से अगर देखें तो लगभग ढाई सौ पॉइंट ऊपर में गया मार्केट जिस हिसाब से 120-25 पॉइंट नीचे गया फिर 120 पॉइंट ऊपर में आया तो ढाई सौ पॉइंट के लगभग जो मार्केट है वो ऊपर उछला तो काफ़ी शानदार रिकवरी मार्केट में और अब मार्केट में जैसे रिकवरी बनी तो यह शेयर भी एक अच्छी खासी रैली आपको दिखाते हुए नजर आए हालांकि सुबह स्टॉक एक सौ के आसपास नीचे में गया ठीक है सौ रुपये तक नीचे में गया फिर वहाँ से देखो भाई पूरा का पूरा गेम चेंज तो यहाँ पर अगर आपकी होल्डिंग है तो कल के क्या कुछ मोमेंटम बनेंगे वो जानने की कोशिश करेंगे और साथ में आपने एक चीज़ और नोट की होगी कंपनी को पाँच अवार्ड मिले थे कल के दिन वो न्यूज़ आई थी और उसका भी पॉजिटिव एफे, जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिला तो चलिए देखते हैं फटाफट से डाटा वगैरह कैसा है और कल के क्या माहौल बनेंगे भी चार पॉइंट सॉरी ये जो है फाइव पॉइंट नाइन जीरो करोड़ के आसपास की वॉल्यूम यानी कि पांच करोड़ नब्बे लाख के करीब की वॉल्यूम आई उनसठ मिलियन देना बैठता है भाई तो चलिए अब देख लेते भी इसका डाटा और चार्ट वहां पर क्या कुछ मोमेंटम है तो यहाँ पर आप लोग देखो भाई इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के जो डाटा वगैरह देखने मिला एक सौ चार रुपए पिचानवे पैसे प्रीवियस क्लोजिंग थी ओपन कहाँ पर हुआ भाई 102 के भाव में ओपन हुआ जिस हिसाब से मार्केट में देखो भाई माहौल चेंज था ना गड़बड़ी वाला उस हिसाब से 102 के भाव में ओपन हुआ और सौ तक स्टॉक नीचे में गया और वहां से आप लोग देखोगे गेम चेंजिंग मूवमेंट और स्टॉक का जो हाई है वो एक सौ का रहा है और क्लोजिंग एक सौ नौ पैसे यानी लगभग एक सौ के आसपास हुई है और मैंने आपको बोला था कि स्टॉक अगर एक के ऊपर में रहता है तो स्टॉक में फ्रेश एंट्री का माहौल बनेंगे और ये स्टॉक ऊपर में आपको 112 प्लस निकलते हुए नज़र आएगा तो शॉर्ट टर्म में अगर उठाते तो भी बेनिफिट था इंटरडेट वगैरह करते तो भी बेनिफिट था क्योंकि स्टॉक इंटरडे में भी एक सौ ग्यारह रुपये पच्चीस पैसे के ऊपर मछल है तो यहाँ पर अभी टाइम जो डाटा वगैरह देखने को मिला अभी पॉजिटिव है एक लाख चार हज़ार के आसपास जो क्वांटिटी है वो आपको बाय के लिए देखने को मिल रही है डिलीवरी पोजीशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखो भी लगभग उनतीस के करीब डिलीवरी उठी है उनतीस स्टॉक के अंदर काफी अच्छी डिलीवरी है अभी क्योंकि वो दिन तो बीस पच्चीस के आसपास आज तो फिर भी तीस के आसपास उठती हुई नजर आई है तो चलिए डाटा पॉजिटिव है अब देखते हैं इसका चार्ट तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी वैसे तो एक सौ के आसपास का सपोर्ट था लेकिन स्टॉक जो ना भी बहुत ज़्यादा डाउन गया था लेकिन वहाँ पर देखो मैं भी मानता हूँ भी देखो मेरे से मेरी भी हिम्मत नहीं हो कि स्टॉक में मैं सुबह सुबह एंट्री ले, ले लूँ भाई ठीक है लेकिन स्टॉक ने उसी कैंडल में आप लोग देखोग पूरा का पूरा गेम चेंजिंग मूवमेंट आपको दिखाया है पूरे मार्केट के जैसे मार्केट घूमा स्टॉक भी हमें घूमते हुए नज़र आए देख सकते हो भी आपके सामने है और स्टॉक ऊपर में जैसे एक को ब्रेक किया उसके बाद सीधे भी देखो एक सौ तक के मूव आने की संभावना थी लेकिन 111 25 के आसपास ये स्टॉक ऊपर से फिर से टूटा लेकिन इस गिरावट लेकर परेशानी होने अगर आपने स्टॉक को कल के दिन आज उठा लिया है या फिर कल के लिए उठा रहे तो एक सौ पैसे का सपोर्ट है और ऊपर में स्टॉक आपको जो है भी फिर से एक प्लस निकल गया ना अभी तो फिर से एक सौ चौदह तक के जो मूव ऊपर में दिखा सकते हैं और अगर इस लेवल के आसपास क्लोजिंग ले लिया तो फिर आप लोगों देखोगे भी एक फ्रेश बावन भी खाई लगाने के लिए तैयार हो सकता है भाई ठीक है अभी टाइम नीचे में जो सपोर्ट है एक का दूसरा रहेगा भी एक का जो फिफ्टी ई बना हुआ है 105 के आसपास का और थर्ड है एक सौ के आसपास का तो ये तीन सपोर्ट बताएँ आपको इनके ऊपर फोकस कीजिए और जिनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना भाई छोटी मोटी ग्राउट स्टॉक में बनती रहेगी ऐसे देखो मार्केट भी ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ था तो एक करेक्शन तो बन रही थी भी। तो एकदम से सैलर भी हुए तो उन सबको अगर परेशान नहीं होना है जो लॉन्ग टर्म वाले हैं आँख बंद करके बैठे रह सकते हैं नीचे में अगर स्टॉक आया तो वो आपके लिए एक मौका है ठीक है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो